बनाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। ना हाथ उठते न जोते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। ये सुगंध आपने याद संगठन जनाधिकार समिति नई दिल्ली द्वारा जारी एक कर्तव्यों के बीच पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। हिंसा कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के गुंडे कार्यकर्ताओं द्वारा एक बार फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक और 52 वर्षीय स्वयंसेवक श्री संतोष कुमार की 18 जनवरी 2017 को निर्मम हत्या कर दी गई। नरसंहार इसमें सारा लिखना है जी। राष्ट्रीय चेतना मंच आपसे निवेदन है कि अति शीघ्र जरा संवेदनशील समझ कर मेरी तरफ से अभी चला जाएगा और सुपर डिस्चार्ज। केरल में हो रही हिंसा के विरोध में आज बड़ी संख्या में करनाल में भी संघ कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जहां पर करनाल के सेक्टर 12 में पहले एक जनसभा की गई, उसके बाद सेक्टर 12 जिला सचिवालय तक विरोध प्रदर्शन करते हुए। इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं कि करनाल एसडीएम को जो है योगेश कुमार को एक ज्ञापन दिया गया है देश के राष्ट्रपति के नाम, क्योंकि केरल सरकार जो है इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे कि इन्होंने बताया कि देश की रक्षा करते हुए और वहां पर आम लोगों को सुरक्षा पहुंचाने के तहत ही जो है करीब पिछले कुछ महीनों में 10 कार्यकर्ताओं की जो है मौत हुई है, जिसके विरोध में आज बड़ी संख्या में करनाल में भी जो है संघ के जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे थे और केरल सरकार के खिलाफ जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, वहीं करनाल जिला सचिवालय में, क्योंकि करनाल एक सीएम सिटी है और प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है, और वहीं से करनाल के जिला सचिवालय में पहुंचकर करनाल एसडीएम योगेश कुमार को जो है राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दिया गया है। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। ये प्रदर्शन जो है, ये जो रोष मार्च है, ये जो केरल के अंदर कम्युनिस्ट मार्क्सवादियों की सरकार है उसके द्वारा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग हैं या उनके विचारों के जो भी विरोधी हैं उन पर एक प्रकार से कातिलाना हमला करके उनकी मार गिराया है। पिछले लगभग 16 मई से ये सरकार 2016 से है, वहाँ से लेकर आज तक लगभग 10 लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जो दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। ये गृह विभाग जो है सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है और जो DIG है पुलिस के प्रमुख हैं, प्रैक्टिकली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ही हैज बीन सेट असाइड एंड ही इज होल्डिंग द होल पावर। तो राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है थ्रू DC। ठीक, आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण। केरल में फैली हुई हिंसा में जितने संघ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसके विरोध में जहां आज पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर जो है संघ कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। करनाल में भी बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता जो है करनाल के सेक्टर 12 में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद जो है करनाल जिला सचिवालय पहुंच करनाल SDM को एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और करनाल से ही जो है संघ के एक वरिष्ठ नेता दलपत कादियान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं। सर आप बताएं, काफी रोष है पूरे देश भर में संघ कार्यकर्ताओं में, तो क्या कहना चाहेंगे? सारे देश में एक विशेष कम्युनिटी है जिसको ईसाइयत कह सकते हैं, कम्युनिज्म कह सकते हैं, जो कि इस देश को तोड़ मरोड़ना चाहती है, ये उनकी तमन्ना और उसी प्रयास में पहले दिन से लगे हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके से मिलते जुलते सभी एफिलेटेड सारे संगठनों ने आज का दिन ये निर्णय लिया कि सारे देश में रोष प्रकट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएंगे, या तो वह अपनी हरकतों से रुकें नहीं तो हम उन्हीं की भाषा में इसका जवाब देने वाले हैं। इसके लिए हमारी तैयारी है। तो ये आपने देखा कि बड़ी संख्या में जहां आज करनाल में संघ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार खासतौर पर केरल सरकार के खिलाफ जहां नारेबाजी की गई, वहीं राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि जिस तरह की जो घटनाएं केरल में हो रही है, चाहे आम आदमियों के साथ हो रही हो, चाहे संघ कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हो, तो इस तरह की घटना को किसी कीमत पर भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमल मिडा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।
केरल में फैली हुई हिंसा में जितने संघ कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उसके विरोध में जहां आज पूरे प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर जो है संघ कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया। करनाल में भी बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता जो है करनाल के सेक्टर 12 में इकट्ठा हुए थे और उसके बाद जो है करनाल जिला सचिवालय पहुंच करनाल SDM को एक राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया और करनाल से ही जो है संघ के एक वरिष्ठ नेता दलपत कादियान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे हम जानते हैं। सर आप बताएं, काफी रोष है पूरे देश भर में संघ कार्यकर्ताओं में, तो क्या कहना चाहेंगे? सारे देश में एक विशेष कम्युनिटी है जिसको ईसाइयत कह सकते हैं, कम्युनिज्म कह सकते हैं, जो कि इस देश को तोड़ मरोड़ना चाहती है, ये उनकी तमन्ना और उसी प्रयास में पहले दिन से लगे हुए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और इसके से मिलते जुलते सभी एफिलेटेड सारे संगठनों ने आज का दिन ये निर्णय लिया कि सारे देश में रोष प्रकट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाएंगे, या तो वो अपनी हरकतों से रुकें, नहीं तो हम उन्हीं की भाषा में इसका जवाब देने वाले हैं। इसके लिए हमारी तैयारी है। तो ये आपने देखा कि बड़ी संख्या में जहां आज करनाल में संघ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, वहीं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार खासतौर पर केरल सरकार के खिलाफ जहां नारेबाजी की गई, वहीं राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि जिस तरह की जो घटनाएं केरल में हो रही है, चाहे आम आदमियों के साथ हो रही हो, चाहे संघ कार्यकर्ताओं के साथ हो रही हो, तो इस तरह की घटना को किसी कीमत पर भी जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमल मिड्डा, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।